हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रोहित शर्मा फिटनेस एंड दिस इज रोहित शर्मा। सो आज की वीडियो है वो होने वाली है फैट लॉस सप्लीमेंट्स के ऊपर, कि हमें फैट लॉस के टाइम पे कौन से सप्लीमेंट्स ऐड करने चाहिए एंड क्यों करने चाहिए। तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो आपके फैट लॉस की जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और वो मैं एंड में ही बताऊँगा। तो विदाउट स्किप इसको देखें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, जो लोग फैट लॉस की जर्नी में जा रहे हैं या जाने वाले हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सप्लीमेंट्स के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सप्लीमेंट्स क्या है और उनकी हमें क्या जरूरत होती है। एक्चुअली सप्लीमेंट्स कुछ नहीं, जो चीज़ें हम डाइट से नहीं ले पाते वहीं पे हमारे आ जाते हैं सप्लीमेंट्स, इसलिए हम अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि सप्लीमेंट्स पे जाने से पहले ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जो डाइट है, आपका जो न्यूट्रिशन है और आपका वर्कआउट काफ़ी प्रॉपर हो, डिसिप्लिन से हो। देखो ये जो लाइन है ना, ये आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग मांगती है। आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यहाँ के जाने के लिए, आप बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन में होने चाहिए। आप यहाँ पे ठीक है सप्लीमेंट्स ले लो, बट आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आपका वर्कआउट अच्छा नहीं है, तो आपके पैसे वेस्ट हैं। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के भी पैसे वेस्ट हों इन फ्यूचर। तो प्लीज़ फर्स्ट वर्क ऑन योर वर्कआउट, वर्क ऑन योर डाइट, देन गो ऑन सप्लीमेंट्स। तो अब अपना स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या सप्लीमेंट्स चाहिए। तो चलो, सो गाइज, फर्स्ट सप्लीमेंट जो हमें अपने फैट लॉस की जर्नी में ऐड करना चाहिए वो है हमारा वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन कौन सा वे प्रोटीन? वे प्रोटीन आइसोलेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेट, क्योंकि हमें फैट लॉस की जर्नी में क्या चाहिए ना, हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ना हमें फैट लिच चाहिए, ना हमें लैक्टोज चाहिए, और कंसनट्रेट में ये चीज़ें प्रेजेंट होती ही होती हैं। तो हमें यहाँ पे आइसोलेट लेना है। अब हम लीनिंग कर रहे हैं, हम कार्ब्स कट कर रहे हैं, अब कार्ब्स ही एक्स्ट्रा लेंगे तो कैसे बात बनेगी। तो यहाँ पे हम आइसोलेट इसलिए ऐड कर रहे हैं एंड लीनिंग के टाइम पे आपको पता है क्वालिटी वाला प्रोटीन हमें ज़रूरत होती है। तो जाइए वे प्रोटीन लीजिए, यहाँ पे आप कोई भी अच्छे से ब्रांड का वे प्रोटीन ले सकते हैं, जो भी आपको मैंने आपको बता दिया कि क्या लेना है। अब आप कोई सी ब्रांड का जो आपको सूटेबल हो ले सकते हैं। तो अब चलते हैं जल्दी से सेकंड सप्लीमेंट की तरफ। तो वैसे सेकंड सप्लीमेंट एल कार्डिनिन, तो आपने सुना ही होगा एल कार्डिनिन की करता है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सो गाइस, एल कार्डिनिन के बारे में तो आपने सुना होगा। एल कार्डिनिन क्या करता है? जो आपकी बॉडी में फैट प्रेजेंट है ना पहले से, अब देखो कार्ब्स तो बंद है हमारे, हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो एल कार्डिनिन क्या करता है, आपकी बॉडी में जाके जो आपका फैट है उसको ही आपकी एनर्जी में चेंज कर देता है, उसको ही जला देता है। तो ये काम था हमारा एल कार्डिनिन का। सो गाइज, अब हम बात करते हैं थर्ड सप्लीमेंट की। यहाँ पे हम थर्ड सप्लीमेंट क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे? तो थर्ड सप्लीमेंट है वो हमारे ओमेगाज एंड मल्टीविटामिन्स। एक्चुअली जो ओमेगाज एंड मल्टीविटामिन्स हम ना गेनिंग के टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं, लीनिंग के टाइम में भी ऐड कर सकते हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे तब भी ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, हमें करने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिएंट हैं। अब फैट लॉस में हमारे फैट्स बंद होते हैं, काफ़ी चीज़ें बंद होती हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन सिर्फ डाइट से नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीविटामिन्स एंड ओमेगा यूज़ कर रहे हैं। फैट लॉस में ओमेगा भी काफ़ी एक रोल प्रेजेंट करता है। एंड अब हम बात करेंगे अपना फोर्थ सप्लीमेंट क्या है? BCAAs, ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड। अब इनका क्या काम होता है? हम वर्कआउट करते हैं, हमारी बॉडी की मसल्स ब्रेक डाउन होती है, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती एंड हम कैलोरी डेफिसिट पे होते हैं, बट हमारी बॉडी को क्या चाहिए? मसल रिकवरी। तो मसल रिकवरी कौन करेगा? ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। सो गाइस, मैंने बात करी थी आपसे कि प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो आपको फैट लॉस की जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होगा, दिखा दूँ? देखो मैं झूठ तो बोलता नहीं, तुम्हारा भाई ले गया तुम्हारे लिए प्रोडक्ट, ठीक है, इसका मेरे को डायरेक्ट, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे को प्रमोट करने के लिए आया था। बट जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स देखे ना, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके फैट लॉस की जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, इस वजह से मैंने प्रोडक्ट चूज़ किया और मैं यहाँ पे लेके आया आपके आप लोगों के लिए, ताकि आपके फैट लॉस की जर्नी में मदद कर सके। देखो यार, मेरा क्या काम है? मेरा काम है आपको बताना। क्या बताना? ठीक चीज़ बताना, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ो, है ना, मस्त नेचर। सो इसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं? एप्पल सीडर विनेगर, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एल कार्डिनिन, देखो एल कार्डिनिन इसमें पहले से ही प्रेजेंट है, एंड गैरिसिनिया कम्बोजिया, एंड लास्ट इज गूगल। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, आपके फैट लॉस के टाइम पे काफ़ी हेल्प करने ही वाले हैं। हम देखो अलग से ग्रीन टी पीते हैं, इसमें
ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम एल्कार्टी नहीं लेते वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और दो तीन हमारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है जो हमें काफ़ी हेल्प करेंगे अपनी फैट लॉस के टाइम पे। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं साइट से ही। हमारी कंपनी है मार्स बाय GHS। जैसे कि मैंने आपको चार सप्लीमेंट बता दिए जो आपके फैट लॉस में ज़रूरी होते हैं, तो इनको लीजिए एंड रिजल्ट देखिए। एंड एक और चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, प्लीज़ वर्क ऑन योर न्यूट्रिशन एंड वर्क ऑन योर वर्कआउट देन गो ऑन सप्लीमेंट्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जब तक के लिए ईट वेल बी वेल फिट एंड हेल्दी। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।